तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट में एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों आप भी चाहते हैं आप अपने फ्लिपकार्ट में एड्रेस को चेंज करना, गलती से आपको यहाँ पे नंबर या फिर नाम या फिर पिन कोड या फिर दोस्तों स्टेट या फिर मतलब हाउस नेम बिल्डिंग नेम जो भी गलत हो गया हुआ है, आप किस प्रकार से उसे ठीक कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्लिपकार्ट में एड्रेस को चेंज करना काफ़ी आसान है, आपको बस ध्यान से देखना है वीडियो को। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है, उसके बाद नीचे के साइड में अकाउंट का बटन है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेव एड्रेस का। अगर दोस्तों ये ऑप्शन आप में नहीं आ रहा है तो आप पहले प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ से पहले आप प्ले स्टोर पर जाके आप फ्लिपकार्ट को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे काम कीजिए। तो हम यहाँ पे सेव एड्रेस के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले ही ऑलरेडी पहले एक भी यहाँ पे मैं एक एड्रेस बना रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें इसमें कुछ चेंज करना है, हमें यहाँ पे नाम गड़बड़ हो गया तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो साइड में यहाँ पे आपको छोटा सा थ्री लाइन दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, एक एडिट का और एक रिमूव का। अगर दोस्तों आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप एडिट करना चाहते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो आप इसे एडिट करना चाहते हैं, एडिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आप यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम ये चाहते हैं यहाँ पे अपना नाम चेंज करने के लिए, तो हम यहाँ पे नाम अपना चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम पे क्लिक कर देते हैं, हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। आपको जो हिसाब लगे वो चेंज कर सकते हैं, मुझे सिर्फ नाम गड़बड़ था तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया है। आपको जो गड़बड़ है वो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेव एड्रेस का बटन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने MD यहाँ पे लगा दिया है, इससे पहले यहाँ पे सिर्फ MD नहीं था तो मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से फ्लिपकार्ट में एड्रेस को चेंज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।